आप सभी को दास की प्यार भी नमस्कार और धन्यवाद कार्य संतो महापुरुषों जी। यदि दास आपसे पूछे क्या आप अमर होना चाहते हैं, आप अमर हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप उत्तर देंगे कैसी पागलों वाली बात कर रहा है, आज तक क्या कोई अमर हुआ है, कोई भी अमर नहीं हुआ, ये कहेंगे आप। परंतु यदि दास आपसे कहे नहीं आप गलत हैं, तमाम व्यक्ति अमर हो चुके हैं, तो आप पूछेंगे कौन है नाम बताइए। दास आपसे पूछता है कभी आपने सुना कि महामुनि वशिष्ठ मरे, महामुनि वाल्मीकि मरे, गौतम बुद्ध मरे, कबीर साहब, नानक साहब, क्या कभी इनकी मृत्यु हुई? क्या जवाब देंगे आप? कह देंगे हमें तो पता नहीं लेकिन मरे जरूर होंगे। गलत, ये मरे नहीं अमर हैं और सदा ही अमर रहेंगे, आप भी अमर हो सकेंगे। लेकिन इसके पीछे है एक सीक्रेट फार्मूला, एक वीडियो जो बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी ही आपके चरणों में आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा अमर होने का फार्मूला, जिस पर चलकर कबीर साहब ने कहा हम ना मरे मरे हूं संसारा। तो फिर आप जानेंगे उस सीक्रेट को, जल्दी वीडियो आने वाला है, तैयार हो चुका है। अभी आज हम बात कर रहे हैं एक गुरसिख की मर्यादा की, एक गुरसिख के समर्पण की, एक गुरसिख अपने गुरु के चरणों में आखिर कैसे समर्पित हो, ये सवाल एक महापुरुष ने दास से किया है और उसी पर ये वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत है। समर्पण का वास्तविक अर्थ है अपने आप को गुरु के चरणों में भेंट कर देना, अपने आप को, अपने अहंकार को, अहंकार को नहीं बल्कि आप अपने तन को, मन को और धन को, तीनों को गुरु के चरणों में लुटा देते हैं, तो इसे कहते हैं संपूर्ण समर्पण। अब गुरु इन तीनों को आपको वापस कर देता है और वापस कर देता है, आप ये तीनों यानी तन, मन और धन आपके पास आपके गुरु की अमानत है और आप इसे अपने गुरु की अमानत समझकर ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने पर कभी भी आपके, मेरे या किसी और के अंदर अहंकार पनप ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे की वस्तु पर कैसा अहंकार, ये तन भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है और मन भी मेरा नहीं है, तीनों गुरु को समर्पित कर दिए हैं। अब ये गुरु की मेरे पास सौगात है, गुरु का उपहार है और उपहार पर कैसा अहंकार करना, उपहार तो मिलता है ना। जब ऐसी अवस्था एक गुरसिख की हो जाती है तो फिर उसे कहते हैं गुरु चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देना। संत हरि का पल पल छिन छिन दास ही बनकर रहता है, इसका अर्थ यह है कि जो गुरु का गुरसिख है, मतलब जो पूरा गुरसिख है, यहां पूरे गुरसिख की बात हो रही है, वो हर पल हर क्षण अपने आप को अपने गुरु का दास ही समझता है और दास की अपनी तो कोई इच्छा होती नहीं, आप जानते ही हैं, इसलिए उसकी जो इच्छा होती है ना, जो उसके गुरु की इच्छा होती है वही उसकी इच्छा होती है और वो अपने लिए कभी भी अपने गुरु से कुछ भी नहीं मांगता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ मांगता ही नहीं है, वो कुछ मांगे सदा दूसरों का भला, सदा दूसरों के लिए सुख, और यही कामना जब उसके अंदर रहती है ना तो उसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती, मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप ही गुरु उसके सारे कार्य रास करते चले जाते हैं। ऐसा ही होता है पूर्ण गुरुसिख, और एक पूर्ण गुरुसिख की अवस्था, दास की अवस्था एक शिशु के समान होती है, जिसे जब भूख लगती है ना तो वो सिर्फ रो देता है, सिर्फ रो देता है, लेकिन रोकर भी वो दूध थोड़ी मांगता है और उसके अंदर ये बात होती ही नहीं है कि मुझे दूध पिलाओ। हाँ, यह बात अलग होती है कि जैसे ही उसकी एक चीतकार निकलती है, माता उसे दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आती है। ठीक इसी तरह से गुरु, गुरु को जब एहसास होता है ना कि मेरे गुरसिख को इस चीज की आवश्यकता है तो गुरसिख मांगता नहीं है। हाँ, गुरु अपने गुरसिख को, अपने उस समर्पित सेवक को, अपने उस दास को उसकी आवश्यकता की वो वस्तु देने के लिए दौड़े चले आते हैं। कबीर साहब ऐसे गुरसिख के लिए कहते हैं गुरु को सर पर राखिए, हे गुरसिख आप गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। ऐसे गुरसिख जब गुरु को अपने सर पर रखते हैं ना तो फिर उन्हें तीन लोकों में किसी का भी भय नहीं रहता। गुरु को सर पर रखने का अर्थ है गुरु की आज्ञा अपने माथे पर रखना, गुरु के चरणों में सर रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, परंतु गुरु की आज्ञा को अपने सर पर रखना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। चरणों में सर रख दिया, बहुत ही सरल काम, परंतु गुरु की आज्ञा अपने जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। गुरु की आज्ञा को मानना ही वास्तव में गुरु को अपने सर पर रखना है।
बाहर से तो तुम झुक गए, अंदर से तो झुके नहीं, अंदर से तो अभी भी अकड़े हुए हो। एक घर में, एक गृहिणी के घर में कुछ मेहमान आ गए, बच्चा छोटा है, नादान है, परंतु उछल रहा है, कूद रहा है, वो नहीं जानता कि मेहमान आए हैं, इनके सामने उदंडतापूर्वक व्यवहार नहीं करना है। माँ ने देखा, मान नहीं रहा है, आंखों आंखों में उसको घूरा, टाइट किया, प्रताड़ित किया, बच्चा सहम गया और माँ ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, कुर्सी पर जाकर बैठ। बच्चा कुर्सी पर जाकर के बैठ गया, परंतु बाहर से शांत है, अंदर से शांत नहीं है। अंदर से कह रहा है, तुमने बिठा तो मुझे दिया, परंतु अंदर से बिठाओ तो जानू। गुरसिख की ऐसी अवस्था नहीं होती। यदि गुरसिख बाहर से भी शांत है तो वो अंदर से भी शांत होता है। जो अंदर से शांत नहीं होता ना, उसने अपने गुरु के चरणों में समर्पण किया ही नहीं है। गुरु की आज्ञा मानने का अर्थ है कि तुम उसमें तर्क मत लगाना, क्योंकि तर्क लगाया, सोचा, फिर माना, तो तुम अपनी आज्ञा मान रहे हो, गुरु की नहीं। गुरु की आज्ञा आ गई और आपकी बुद्धि ने कहा ठीक है और आपने कर दिया, परंतु यदि आपकी बुद्धि यह भी कहे कि ठीक नहीं है, तब भी आपको वही करना है जो गुरु की आज्ञा आई है। आप अपनी बुद्धि को एक तरफ हटा के रख दीजिए, कहिए तू एक तरफ हट, मुझे तो गुरु की बात माननी है। इस स्थिति को कहते हैं गुरु को सर पर राखिए। जब गुरु सर पर होते हैं ना, तो अपनी बुद्धि उतरकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। फिर गुरसिख गुरु की ही आज्ञा मानता है और इसलिए तो कहा है, जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे धाओ। जो गुरु कह रहे हैं वही करना है। गुरु क्या कर रहे हैं इस पर तो ध्यान देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कई बार गुरु ऐसे काम कर जाते हैं जो गुरसिख की बुद्धि से परे हट जाता है, वो चकरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन गुरसिख को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दास आपको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर सन 2012 29 मई के पेज नंबर 13 पर छपी एक घटना बताता है। एक धर्म गुरु थे गुरजीफ। गुरजीफ अपने शिष्यों को बड़ी अजीबो गरीब आज्ञा दिया करता था। कभी शराब पीने को कह देता, कभी मांस खाने को कह देता। एक बार एक सच्चरित्र आदमी जिसने कभी जीवन में शराब नहीं पी थी, जब उनके पास दीक्षा लेने के लिए आया तो गुरुजेव ने कहा, जा पहले मांस खा करके आ और शराब पी करके आ। अब वो आदमी तो चौंक गया, कहने लगा ये कैसे आ गया। कहने लगे, जा पहले खा के आना। अब वो व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। एक शिष्य ने उनसे पूछा, इसका क्या प्रयोजन था। उन्होंने कहा, बड़ा धार्मिक बना फिरता है, सोचता है मैं नैतिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं शाकाहारी हूं, मैं बड़ा सच्चरित्र हूं। इस अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। गुरुसिखी के मार्ग में अहंकार नहीं होता। उसके दरबार में जो मांसाहारी गुरुसिख आते उन्हें कभी मांसाहार नहीं देता, जो शाकाहारी आते उन्हें शाकाहार करने के लिए कहता। बुद्धि परे हटानी पड़ेगी। एक बार उनके आश्रम में एक संगीतज्ञ महिला आई, बड़े गहने पहन रखे थे उसने, सजी धजी थी, जैसे अक्सर तमाम महिलाएं मंदिरों में सज धज कर जाती हैं। गुरुजीफ ने जब देखा, अपने पास बुलाया, कहने लगा, नाम दीक्षा लेने आई हो। कहने लगी, हाँ। गुरुजीफ ने रुमाल बिछाया, कहा सारे गहने उतार कर पहले यहां रख दे। अब महिला मुस्कराई, उसके अंदर भाव कुछ और था, सारे गहने उतार करके रख दिए। गुरुजीफ ने पोटली बनाई और अपने कोट की जेब में रख दी, कह दिया ये तेरी गुरु दक्षिणा है। महिला मुस्कराई, उसे फर्क नहीं पड़ता था, दरअसल उसके अंदर श्रद्धा थी, उसके अंदर आस्था थी। वो चली गई बातचीत के बाद। शाम को गुरुजेफ ने अपने शिष्य से कुछ और गहने उसमें रखकर वापस उस महिला के पास उसके घर पहुंचवा दिए। और इस घटना के लगभग 10-15 दिन के बाद एक और महिला वहां पर आई। अभी ये जो संगीतज्ञ महिला थी अक्सर बल्कि प्रतिदिन उनके आश्रम आती रहती थी। उस महिला का उस दिन पहली बार जो आई थी इनसे सामना हो गया। उसने पूछा गुरुदेव के बारे में। इस महिला ने कहा, गुरुदेव सारे गहने उतरवा लेते हैं। अब वो महिला तो घबरा गई। इस पर संगीतज्ञ महिला ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव बाद में सारे गहने वापस कर देते हैं, बल्कि और भी बढ़ाकर। इस पर वो महिला बोली, तब तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। इस घटना के 2-3 दिन के बाद जिस दिन उसे ज्ञान लेना था, नामदान लेना था, वो महिला अपने घर के सारे गहने भी ले आई, गुरुदेव के पास पहुंची। गुरुजीफ ने देखा, चेहरे को पढ़ा, रुमाल बिछाया और कहा अपने सारे गहने उतार कर रख दे। उस महिला ने खुशी खुशी सारे गहने उतार कर रख दिए। बातचीत हुई, उसके बाद वो महिला चली गई और गुरुजीफ ने फिर कभी भी उसको वो गहने वापस नहीं किए। आप गुरु को धोखा नहीं दे सकते, यह असंभव है। आज्ञा मानने का अर्थ है गुरु जो कहे
उसे अपने जीवन में उतारते चले आए, वो आपकी बुद्धि को संगत लगे असंगत लगे, बुद्धि से कहो तू परे हट, मैं गुरु की मानूंगा। यही श्रद्धा है, यही आस्था है। और एक जो पूर्ण गुरसिक होता है वो इसी तरह से अपने गुरु के चरणों में संपूर्ण समर्पण करता है। गुरु चरणों में समर्पण का अर्थ है गुरु के संकेत को भी जीवन में उतार लेना। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी पार्क में टहल रहे हैं, अगले दिन जाना है टूर पर, अचानक मुख से निकला भापा रामचंद्र जी के दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छा होता, कई दिन के टूर पर जाना है, पता नहीं फिर कब दर्शन होंगे। तमाम महापुरुष साथ हैं और पीछे पीछे हैं सेठ गुरुबचन सिंह जी, जो बाद में नंकारी मिशन के सतगुरु भी बने। उन्होंने संकेत को समझा, पीछे वहीं से वापस हो गए, कार निकाली, उस समय रात के 8 बजे थे, और 7-8 घंटे का सफर करके पहुंच गए कपूरतला बाबा रामचंद्र जी के पास। आज्ञा सुनाई, और वो तो पहले ही गुरु भक्त थे, बाबा रामचंद्र जी तो पहले ही पूर्ण गुरसिक थे, तुरंत तैयार हुए 2-3 मिनट में ही, और एक जोड़ी कपड़े अपने थैले में रखकर निकल गए। 7-8 घंटे का सफर करके फिर शहनशाह जी के चरणों में पहुंचे। बाबा जी ने देखा, पूछा ये क्या, मैंने तो सिर्फ याद किया था। बाबा जी ने कहा, बाबा गुरुबचन सिंह जी ने कहा, सेठ जी ने कहा, बाबा जी आपके मन की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज था। इस पर शहनशाह जी ने कहा, सेठ जी आप तो पूर्ण गुरुसिख है, आप संकेत को ही गुरु की आज्ञा समझते हैं। यह होता है गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और सत्संगत ऐसे गुरुसिख बिरले बिरले ही होते हैं, बिरले ही बिरले ही। यूं भीड़ लाखों की करोड़ों की दिखती है, लेकिन इनमें गिनती के ही महात्मा होते हैं जो करते हैं गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण। तो बख्शिश करो, कृपा करो, पूर्ण गुरु जिस तरह से होता है ना एक ही, उसी तरह से पूर्ण गुरसिख भी होते हैं चुनिंदा गिने चुने, जो हूबहू गुरु के वचनों पर अपने जीवन को लुटा देते हैं, अपने तन मन धन को समर्पित कर देते हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संतों महापुरुषों जी।